हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। कैसे हैं आप लोग? हाँ बच्चों, तो हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारा एनिमल डाइवर्सिटी। आप सभी को पता है अब तक हम इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, और क्या क्या बात कर चुके हैं उनकी बात कर लेते हैं। हम इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन की बात की है, उसके बाद हमने बात की है इस चैप्टर के डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथ, एस्केहेल्मिंथ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, डिफरेंट फाइलम्स की बात करनी है, जिसमें से अब तक हम बात कर चुके हैं फाइलम पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथ, एस्केहेल्मिंथ और एनिलिडा की। तो चलिए आज हम बात करते हैं लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा वर्ड में आर्थ्रो वर्ड का मतलब होता है जॉइंट्स। आर्थ्रो वर्ड का मींस क्या होगा? जॉइंट। जैसे हम बोलते हैं ना, आर्थराइटिस इज ए डिसऑर्डर, आर्थराइटिस इज ए जॉइंट डिसऑर्डर, तो वैसे आर्थ्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? जॉइंट्स। और पोडा वर्ड के लिए वर्ड यूज करते हैं अपेंडेजेस, या सीधा सीधा मैं बोलूं कि नॉर्मल टर्म में ज़्यादा ना समझे तो लेग्स। तो जिनके पास जॉइंटेड लेग्स या जॉइंटेड अपेंडेजेस, अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर थी एनेलिडा में, जिनको हमने बोला था पैरापोडिया, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो है जॉइंटेड। और जॉइंटेड पोडा मतलब अपेंडेजेस, जिनके पास जॉइंटेड आउटग्रोथ होती हैं, बॉडी से जॉइंटेड आउटग्रोथ अराइज होती है, उनको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स। चलिए ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो है इस फाइलम के लिए कि लार्जेस्ट फाइलम है। मैंने यहीं से शुरुआत की इसकी कि आर्थ्रोपोडा इज ए लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। पहले के लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो हमने पढ़ा था टीनोफोरा इज ए स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, लेकिन याद रखें आर्थ्रोपोडा कैसा है? लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, जिसमें 900,000 स्पीशीज आती है। कहीं हम 9,000 की बात कर रहे थे, कहीं हम 15,000 की बात कर रहे थे। बच्चों यहाँ पर कितनी स्पीशीज आई है? 900,000 स्पीशीज। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यह है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। और इस लार्जेस्ट फाइलम की लार्जेस्ट क्लास जो है उसका नाम है इंसेक्टा। इसकी लार्जेस्ट क्लास कौन सी होती है बच्चों? इंसेक्टा क्लास है। और इस अकेली इंसेक्टा क्लास में 7,50,000 मेंबर्स आते हैं। कितने आते हैं? 7,50,000 मेंबर आते हैं आउट ऑफ 9,00,000। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट सब फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम कौन सा है, तो याद रखें सब फाइलम भी इसी का होगा। और लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट क्लास है इंसेक्टा, तो लार्जेस्ट सब फाइलम का नाम भी अच्छे से याद रखें, वो होगा मैंडिबुलेटा। क्या होगा बच्चों? मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा इज ए लार्जेस्ट सब फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। चलिए अब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के जनरल फीचर्स की। जो आप सभी को पता है कि हम हर बार फाइलम स्टार्ट करते हैं उसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो चलिए इस फाइलम में भी हम बिल्कुल जनरल बेसिक कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले सिमेट्री, इनके मेंबर में हमें देखने को मिलेगी बाइलेटरल सिमेट्री, मींस ए सिंगल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल और आइडेंटिकल हाफ्स। हम सिमेट्री के बारे में पहले काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, याद रखें इनमें होगी बाइलेटरल सिमेट्री। इसके अलावा याद रखें ये है एक्सटर्नली सेगमेंटेड, इनकी बॉडी में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है। हम जानते हैं कि सेगमेंटेड एनिमल्स जो हैं वो तीन हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। फाइलम के मेंबर्स सेगमेंटेड होते हैं, उनमें से कॉर्डेट्स में केवल इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, एनिलिड्स में एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, लेकिन आर्थ्रोपोड जिसकी हम आज बात कर रहे हैं उनमें मिलेगा केवल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, मीन्स ओनली एक्सटर्नल बॉडी सरफेस डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स। और बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं बॉडी प्लान के अकॉर्डिंग। बॉडी प्लान के अकॉर्डिंग कौन सा बॉडी प्लान होगा? ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। कौन सा बॉडी प्लान होगा? ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब है कि एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? कंप्लीट। ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब होता है कि इनके पास एलिमेंट्री कैनाल में दो सेपरेट ओपनिंग होती है, माउथ भी होता है, एनस भी होती है। माउथ की हेल्प से ये फूड का इंजेशन करते हैं और एनस की हेल्प से वेस्ट का इंजेशन करते हैं। इसका मतलब इनकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। सीधा सीधा बोलें ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है। चलिए ठीक है, और बात करते हैं सिलोम के अकॉर्डिंग भी बात कर लेते हैं। याद रखें बिल्कुल एनिलिडा की तरह ये भी हैं शाइजोसिलोमेट, यू सिलोमेट। कैसे हैं? शाइजोसिलोमेट, यू सिलोमेट। इसके पास ट्रू सिलोम है और उस ट्रू सिलोम को हम बोलते हैं कौन सी सिलोम? शाइजोसिलोम। डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे और भी डिटेल में। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं बच्चों। ये मोस्टली मिलते हैं हमें टेरेस्ट्रियल,
लेकिन जरूरी नहीं है टेरिस्ट्रियल हों, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। कौन से वाटर में मिल सकते हैं? फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे फ्रेश वाटर में मिलने वाले एक, अगर हम आर्थ्रोपोड की बात करें तो वो हो जाएगा डैफनिया, ठीक है। एक और बात करें साइक्लोप्स, डैफनिया और साइक्लोप्स ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। एक और बात करें मरीन वाटर में मिलने वाले, ओशियन में मिलने वाले, इनकी बात करें बहुत सारे मेंबर हैं। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख देते हैं, वो हो जाएगा लिमुलस, जिसको हम बोलते हैं किंग क्रैब। टेरिस्ट्रियल तो बहुत सारे हैं, एरियल भी होते हैं। एरियल, एरियल को आप सभी जानते हैं, बोला जाता है वॉलेंट, जो फ्लाइंग एनिमल्स हैं या फ्लाइंग आर्थ्रोपोड्स हैं। तो बहुत सारे हैं जो फ्लाइंग हैं, इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो फ्लाइंग की एबिलिटी रखते हैं। तो याद रखें, ये आर्थ्रोपोडा के सबसे पहले, तो इस फाइलम को स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले तो ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। और आर्थ्रोपोडा वर्ड का मीन क्या बताया गया? जॉइंटेड अपेंडेजेस बियरिंग एनिमल्स इंक्लूड्स इन आर्थ्रोपोडा। अकेले इस फाइलम में 9 लाख स्पीशीज आती हैं, और इसकी 9 लाख स्पीशीज में भी इसकी लार्जेस्ट क्लास जिसे हम इंसेक्टा कहते हैं उसमें 7,50,000 स्पीशीज इंक्लूड होती हैं। एंड द लार्जेस्ट सब फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कॉल्ड मैंडिबुल। इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री होगी, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा, शाइजोसिलोमेट यूसिलोमेट होंगे, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होंगे, एक्वेटिक भी होंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मरीन वाटर में मिलेंगे, एरियल होंगे, वॉलेंट होंगे। एक बात और, इनके मेंबर्स आपको कॉलोनियल भी मिलेंगे। इनके मेंबर्स कैसे होंगे? कॉलोनियल मतलब कहां मिलेंगे? कॉलोनी में। जैसे आपने सुना होगा एक नाम हनीबी, हनीबी जो होती है कॉलोनी में होती है। वास्प कहाँ होते हैं? कॉलोनी में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इनके मेंबर हमें ग्रिगेरियस भी मिलते हैं। मैं पहले स्टार्टिंग की टर्म्स में बता चुका हूँ, इनके कुछ मेंबर ग्रिगेरियस पेस्ट होते हैं, पेस्ट जो हमारी क्रॉप को ख़राब कर रहे हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट वो जो ग्रुप में तो रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। और ऐसा ग्रिगेरियस पेस्ट कौन है बच्चों? लोकस्टा। लोकस्टा माना जाता है कि लोकस्टा इंडिया में आया हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से। तो याद रखें ग्रिगेरियस पेस्ट है लोकस्टा। एंड ग्रिगेरियस पेस्ट जो लोकस्टा है, अगर हम बात करें, ये हमारी क्रॉप्स को ख़राब कर रहा है। तो अच्छे से याद रखें, ये अभी आपको बताए गए आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स। और कुछ अच्छे जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर आते हैं, चलिए अब कुछ और अच्छे जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर में, सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो याद रखें इनके अंदर जो सर्कुलेशन होगा वो होगा ओपन सर्कुलेशन। और ओपन सर्कुलेशन आप सभी जानते हैं कि ओपन सर्कुलेशन जो होता है उसमें ब्लड हार्ट प्रेजेंट होता है। ओपन सर्कुलेशन में हार्ट होगा। हार्ट हमेशा याद रखें, हमारे पास हार्ट कैसा है? कैसा है? वेंट्रल सरफेस पर है। लेकिन इनका हार्ट कैसा होगा? डॉर्सल। इनकी बॉडी में हार्ट होगा कैसा? होगा डॉर्सल। ओपन सर्कुलेशन होगा, डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा एक बात और याद रखें, लार्ज ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। लार्ज ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन स्मॉल ब्लड वेसल्स क्या होंगी, या फिर हम बोल सकते हैं कैपिलरीज क्या होंगी? एब्सेंट होंगी। और अगर किसी में कैपिलरीज एब्सेंट है तो ब्लड फिल्ड होगा। ब्लड फिल्ड इन, ब्लड कहाँ पर भरा हुआ होगा बच्चों? इन बॉडी कैविटी। इनका ब्लड बॉडी कैविटी में भरा हुआ होगा। एंड ब्लड से फिल्ड बॉडी कैविटी, ऐसी बॉडी कैविटी जो किससे फिल्ड है? ब्लड से फिल्ड है। ब्लड से फिल्ड बॉडी कैविटी इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है हीमोसील। क्या बोला जाता है? हीमोसील। हीमोसील होगी ब्लड से फिल्ड बॉडी कैविटी। ब्लड से फिल्ड बॉडी कैविटी के लिए आप साइनस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और साथ में याद रखें कि इनके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट इन ब्लड। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होगा? एब्सेंट होगा ब्लड पिगमेंट, एब्सेंट इन ब्लड। और अगर किसी के ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है सो ब्लड कैसा होगा? सो ब्लड इज कलरलेस। ब्लड कैसा होगा बच्चों? कलरलेस। इसका मतलब ब्लड के अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही नहीं है। अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही, तो ब्लड का कोई कलर भी नहीं है। और ऐसे कलरलेस ब्लड के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? इसको आप बोलेंगे हीमोलिम्फ। क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों? हीमोलिम्फ इज ए कलरलेस ब्लड, जिसको मैंने काफी अच्छे कलर में लिखा है। हीमोलिम्फ इज ए कलरलेस ब्लड
which is present in body cavity, and body cavity which is filled by hemolymph is called hemocele, और क्या बोलेंगे word? Sinus. तो चलिए सबसे पहले हमने बात की इसके circulation की, अब बात करते हैं parasitic adaptation, एक बहुत ही एक और important character की बात करते हैं. अगर हम बात करें कि presence of chitinous exoskeleton जो है वो इनका पैरासिटिक एडेप्टेशन, पैरासाइट से तो बचाता ही है इनको, और पैरासाइट की ग्रोथ से तो बचाता ही है. प्रेजेंस ऑफ काइटनस एक्सोस्केलेटन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर. कैसा फीचर होगा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोड्स. तो पैरासिटिक एडेप्टेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन आर्थ्रोपोड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके ऊपर काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. और ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन कैसा होता है? ये होता है वाटरप्रूफ. कैसा होता है? वाटरप्रूफ. इसके अलावा बैक्टीरियल वायरल ग्रो भी नहीं कर सकते यहां पर. वाटरप्रूफ होता है और हार्ड होता है, ठीक है, ब्राउन होता है. और हार्ड, ब्राउन, वाटरप्रूफ ये एक्सोस्केलेटन जो होता है वो इनकी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है. ब्राउन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन. तो एक तो प्रोटेक्शन देने का काम करता है, और याद रखें कि ये जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है इसी की ये रेगुलर इंटरवल पे शेडिंग करते हैं. और काइटिनस एक्सोस्केलेटन की रेगुलर इंटरवल पे शेडिंग जो ये करते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? बच्चों उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम मॉल्टिंग. तो शेडिंग ऑफ, क्या वर्ड यूज़ करेंगे? शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन एट रेगुलर इंटरवल. अब बात आती है कि सर ये रेगुलर इंटरवल पे शेडिंग करते क्यों है? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, एक छोटा सा इंसेक्ट है, उस छोटे से इंसेक्ट के ऊपर काइटिन का एक्सोस्केलेटन बन गया. अब काइटिन का एक्सोस्केलेटन वाटरप्रूफ है, हार्ड है, ब्राउन कलर का है, वो उसे प्रोटेक्शन दे रहा है. अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एक ब्राउन कलर का हार्ड वाटरप्रूफ एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्शन दे रहा है तो प्रोटेक्शन तो मिल जाएगी, लेकिन क्या आप खुद ही सोचिए उसकी ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी. तो अगर उसको ग्रोथ करनी है तो पहले उसको ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन क्या होगा? हटाना होगा. जब वो हट जाएगा और वापस आएगा इस दौरान उसकी बॉडी की ग्रोथ हो जाएगी, फिर उसके बाद हटा देगा, फिर ग्रोथ हो जाएगी, फिर हटा देगा, फिर ग्रोथ हो जाएगी. इस तरह से वो अपनी मेटामॉर्फोसिस स्टेज से डेवलपिंग स्टेज तक लार्वा से एडल्ट बनता है और कई बार मॉल्टिंग करता है. अलग अलग इंसेक्ट में मॉल्टिंग का नंबर डिफरेंट होता है. जैसे आपका फेमस बहुत ही इंसेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, कॉकरोच, उसके अंदर 13 टाइम मॉल्टिंग होती है. हाउ मेनी टाइम? 13 बार मॉल्टिंग करता है, तब जाके वो क्या बनता है? एडल्ट बनता है. एंड दिस शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन एट रेगुलर इंटरवल पर जो शेडिंग होती है इज कॉल्ड, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों? इज कॉल्ड मॉल्टिंग. क्या वर्ड यूज़ करते हैं? मॉल्टिंग. और इस प्रोसेस में एक हार्मोन जिसका नाम है एग्डाइसिस हार्मोन हेल्प करता है. एंड सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एग्डाइसिस. इस प्रोसेस के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एग्डाइसिस. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं. पहले तो हमने बिल्कुल जनरल फीचर की बात की थी, अब हम थोड़े अच्छे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं जो आर्थ्रोपोड्स के लिए हैं, जिसमें हमने पहले बात की सर्कुलेशन की, हीमोलिम्फ बताया गया, पैरासिटिक एडेप्टेशंस की बात की हमने, जिसमें हमने बात की इनके प्रोटेक्टिव काइटनस एक्सोस्केलेटन की, और उसकी मॉल्टिंग कैसे होते हैं. एक छोटी सी और बात कर लेते हैं. अगर हम बात करें इनके मेंबर्स की बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. इनकी बॉडी जो है वो यूजुअली हाउ मेनी पार्ट्स में डिवाइड होगी? 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी. और इनकी बॉडी जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है वो 3 पार्ट जो है बॉडी के क्या क्या नाम हो जाएंगे? इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड. इनकी बॉडी में एक पार्ट तो होता है हेड, एक पार्ट हो जाता है इनका थॉरेक्स, और एक पार्ट हो जाता है इनकी बॉडी का एब्डोमेन. तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत आपने सुना भी होगा, कॉकरोच की बॉडी हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है. लेकिन अगर हम एरेक्निडा किसकी बात करें? एरेक्निड्स की बात करें. और अगर हम क्रस्टेशियंस की बात करें, क्रस्टेशियंस और एरेक्निड्स की बात करें, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आपने देखा हमने हर फाइलम को एक लेक्चर में कंप्लीट किया है, बट यू नो दैट आर्थ्रोपोड इज ए लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. तो इसका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है जो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको हम अलग से एक लेक्चर में करेंगे. तो
याद रखें उसमें आपको इस डिफरेंट क्लासेस के नाम बताए जाएंगे, क्रस्टेशिया, काइलोपोडा, डिप्लोपोडा, हेक्सापोडा, एरेक्निडा, ओनाइकोफोरा, मीरोस्टोमेटा। अभी आप इसके बारे में मत सोचिए, आपको अजीब से नाम लग रहे होंगे, हम पढ़ेंगे इनको। लेकिन याद रखें कि इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमन में, लेकिन एरेक्निड्स एंड क्रस्टेशियंस की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी में हेड फ्यूज हो जाता है, हेड फ्यूज विद थॉरेक्स, हेड थॉरेक्स के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो इसका मतलब इनकी बॉडी डिवाइड होगी, हेड और थॉरेक्स मिल गया तो क्या बन जाएगा, सिफेलोथॉरेक्स। क्या बन जाएगा बच्चों, सिफेलोथॉरेक्स, और बचेगा क्या, एब्डोमन। तो इसका मतलब इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड होती है सिफेलोथॉरेक्स एंड एब्डोमन में। अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि अगर आप एक स्पाइडर को देखें विच बिलोंग्स टू एरेक्निड, अगर उसको देखें तो उसमें आपको हेड, थॉरेक्स, एब्डोमन तीनों नहीं दिखते। उसके पास तो आपको ऐसा दिखता है कि ये रहा उसका हेड और ये रहा उसका हेड थॉरेक्स और ये रहा एब्डोमन, और ये आप उसके अंदर लेग्स देख लेते हैं, इस तरह से लेग्स देखते हैं, ठीक है, और इस तरह से उसके पास लेग्स प्रेजेंट होते हैं। आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे अब इस डायग्राम को, फोर पेयर लेग्स हैं, हेड और थॉरेक्स केवल दो ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं स्पाइडर में। तो अगर हम बात करें कि एरेक्निडा और क्रस्टेशिया के मेंबर में हेड फ्यूज हो जाता है थॉरेक्स से, बनता है सेफेलोथॉरेक्स, तो बॉडी डिवाइड होती है सेफेलोथॉरेक्स एंड एब्डोमन में। बट इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, जो सीधा सीधा हम बोलें इंसेक्टा के मेंबर में, बॉडी डिवाइड होती है हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमन में। और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं चलिए बच्चों। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या है, आपको ये बात तो पता है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। अगर ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का तो क्या ये मोस्ट डाइवर्सिफाइड फाइलम नहीं है एनिमल किंगडम का? है बिल्कुल। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा इज ए मोस्ट डाइवर्सिफाइड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। क्या है ये? मोस्ट डाइवर्सिफाइड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम का सबसे डाइवर्सिफाइड फाइलम है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर किसी फाइलम में प्रेजेंट है तो उस फाइलम का नाम है क्या? उस फाइलम का नाम है आपके आर्थ्रोपोडा। वो तो उसमें कौन सी नई बात है बच्चों, जो सबसे ज़्यादा होगा उसमें डाइवर्सिटी भी सबसे ज़्यादा है। जैसे हम हमारी इंडिया की पॉपुलेशन को ले लेते हैं, हम कुछ ही दिनों में, ये अच्छी बात तो नहीं है लेकिन कुछ ही टाइम में हम नंबर वन पर पहुँचने वाले हैं, चाइना को हम पीछे छोड़ देंगे आने वाले टाइम में। तो क्यों बोलते हैं हम कि इंडिया इज़ मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री, तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन तो डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। तो वैसे ही आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स लार्जेस्ट फाइलम है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोस्ट डाइवर्सिफाइड फाइलम। मैं ऐसा आपको क्यों बता रहा हूँ? ऐसा आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि रेस्पिरेशन, आप स्टार्टिंग से पॉरीफेरा से एनिलिडा तक आपने पढ़ा तो आप बोलते थे रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन, कहीं बोलते थे बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। लेकिन यहाँ आर्थ्रोपोडा में कोई एक नाम बोल दें रेस्पिरेशन के लिए वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इसका मतलब आर्थ्रोपोडा के मेंबर में रेस्पिरेशन कैसे होगा? तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर में रेस्पिरेशन की बात करें तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर में रेस्पिरेशन जो है वो अलग अलग तरीके से मिलेगा। आर्थ्रोपोडा के मेंबर में रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होंगे कुछ मेंबर्स में गिल्स, कुछ मेंबर्स के अंदर रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होंगे ट्रैकिया, या हम बोल सकते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन होगा। कुछ के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो बुक गिल्स से होगा, और कुछ में रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए बुक लंग्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? बुक लंग्स। तो रेस्पिरेशन इतना सिंपल नहीं है बच्चों, रेस्पिरेशन में डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। कुछ मेंबर्स में रेस्पिरेशन गिल्स की हेल्प से होता है, कुछ में रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकिया होता है, कुछ में बुक गिल्स होते हैं, कुछ में बुक लंग्स होते हैं। चलिए यही बात कर लेते हैं। गिल्स हमें देखने को मिलते हैं क्रस्टेशियंस में। किस में देखने को मिलते हैं? क्रस्टेशियंस में। आपके दिमाग में आएगा सर ये क्रस्टेशियंस में कौन आता है? क्रस्टेशियंस में बहुत सारे मेंबर आते हैं लेकिन फिर भी एक दो फेमस जो मेंबर उनके नाम लिखते हैं, प्रॉन आपने देखा होगा, कुछ ने खाया भी होगा बच्चों। एक और मेंबर जो भी खाया होगा आपने वो है लॉबस्टर, और एक मेंबर जिसको आप बोलते हैं कैंसर, मतलब क्रैब। याद रखें कैंसर, क्रैब, लॉबस्टर एंड प्रॉन विच बिलोंग्स टू क्लास क्रस्टेशिया हैव
गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। लेकिन अगर हम इंसेक्टा के मेंबर की बात करें जो सबसे ज़्यादा भी हैं, उनके पास रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, ट्रैकिया। इसका मतलब उनके पास जो ट्रैकियल ट्यूब होती हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। कैसे होता है बड़े डिटेल में पढ़ा जाएगा इन कॉकरोच, ठीक है। आपको अभी एक बात तो याद रखनी कि इंसेक्टा में बहुत सारे मेंबर आते हैं, इसमें तो यहाँ पर तो नाम लिखना सही नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखें इसमें आएगा कौन, कॉकरोच। बुक गिल्स के ही मॉडिफिकेशन से स्ट्रक्चर बनती है बुक गिल्स, जिसके अंदर कई छोटी छोटी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, एंड दीज प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड लैमेली। तो जिसके अंदर ऐसी लैमेली जैसी स्ट्रक्चर बन जाए और बुक से रिजेंबल करें वो प्लेट्स, वो शेल्फ्स, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बुक गिल्स। और ऐसे बुक गिल्स हमें देखने को मिलेंगे एक्वेटिक फॉर्म में, जो है लिमुलस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिमुलस जो होता है वो मरीन वाटर में मिलता है, तो लिमुलस के पास रेस्पिरेशन के लिए होते हैं बुक गिल्स। लिमुलस के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, किंग क्रैब। कैसा है ये, किंग क्रैब होता है। और बुक लंग्स की अगर हम बात करें तो ऐसा हमें देखने को मिलते हैं एरेक्निड्स में। किसमें देखने को मिलेंगे, एरेक्निड्स में। और एरेक्निड्स में आता है कौन कौन, एरेक्निड्स में आते हैं स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, और भी आते हैं, टिक्स भी आती हैं, माइट्स भी आती हैं, लेकिन स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन मेनली अगर हम बात करें एरेक्निड्स में आते हैं, जिनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं, बुक लंग्स। लंग्स लैंड पर टेरिस्ट्रियल कंडीशन में रेस्पिरेशन करने में हेल्प कर रहे हैं, और उनमें भी कुछ प्लेट्स बनी हुई हैं रिजेंबल लाइक बुक, कॉल्ड बुक लंग्स। तो याद रखें रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए गिल्स होते हैं, कुछ मेंबर्स में ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, कुछ में बुक गिल्स होते हैं, कुछ में बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन के प्रोसेस की बात करें तो जैसे हमने बात की है रेस्पिरेशन की, वैसे ही एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगी बच्चों, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी कि कुछ मेंबर्स में एक्सक्रीशन का प्रोसेस के लिए कुछ और ऑर्गन होगा, कुछ में कुछ और होगा। तो याद रखें एक्सक्रीशन के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो, चलिए एक्सक्रीशन के प्रोसेस को भी ले लेते हैं। एक्सक्रीशन के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए कुछ मेंबर्स में एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए प्रेजेंट होगी मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। कौन सी ट्यूब्यूल होंगी, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल। इवन कुछ मेंबर ना बोलते हुए ज्यादा अच्छा बोले कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स एक्सक्रीट द रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट, और एक्सक्रीशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्मॉल येलोइश ब्लाइंड ट्यूब्स कॉल्ड मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। इसका मतलब हम सीधा सीधा बोले कि मैल्पिजियन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो सीधा सीधा हमें किस में मिलेगा, इंसेक्टा में, इसके अलावा मिलीपीड्स में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंटीपीड्स में, सेंटीपीड मिलीपीड इन सभी के अंदर हमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो किससे होगा, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल से होगा। और बात करते हैं मैल्पिजियन ट्यूब्यूल ही नहीं एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है, कुछ मेंबर में एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं कॉक्सल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड हेल्प करती हैं, कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सा वर्ड आता है फीमर से रिलेटेड, मीन्स ग्लैंड विच इज सिचुएटेड नियर कॉक्सा और लेग पार्ट इज कॉल्ड कॉक्सल ग्लैंड। और ऐसी कॉक्सल ग्लैंड हमें देखने को मिलेगी, एक बार फिर से वही लिख रहे हैं कौन, एरेक्निड्स में। एरेक्निड्स में एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो होता है वो रिलेटेड कौन सी होती हैं, कॉक्सल ग्लैंड होती हैं। और बात करते हैं बच्चों, अब की बार हम बात कर लेते हैं कुछ में एक्सक्रीशन के लिए होती हैं एंटीनरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड। और एंटीनरी ग्लैंड के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं इसको, एंटीनरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड ग्रीन ग्लैंड। और ऐसी ग्रीन कलर की ग्लैंड जो सिचुएटेड होगी किसके पास में, एंटीना के पास में, ऐसी एंटीनरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी। किस में प्रेजेंट होगी बच्चों, ऐसी एंटीनरी ग्लैंड हमें देखने को मिलेगी क्रस्टेशियंस में। तो क्रस्टेशियंस में एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए होती है एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड, एरेक्निड्स में होती है कॉक्सल ग्लैंड, इंसेक्टा मिलीपीड सेंटीपीड में होती है मैल्पिजियन ट्यूब्यूल। आप सबके दिमाग में हो सकता है कि एक बात आ रही हो कि सर अभी तक आपने किसी भी फाइलम के एक्सक्रीटरी वेस्ट को हमें एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप एक अलग से लेक्चर देखेंगे उसके लिए, जिसमें हम एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करेंगे, जिसके अंदर मैं एक्सक्रीटरी वेस्ट अलग से इसलिए बताऊंगा क्योंकि वहां पर मैं फिशेस के ट्राईमिथाइल एमीन ऑक्साइड वाले एक्सक्रीटरी वेस्ट और ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को भी एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए वो पूरा प्रोसेस ही, वो पूरा एक लेक्चर ही ऑस्मो रेगुलेटर्स, ऑस्मो कॉन्फर्मर्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी वेस्ट, उन सब से रिलेटेड होगा। इसलिए पूरी बात वहां पर करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो। एक बीच बीच में पढ़कर हमें ज़्यादा अच्छा है कि उसको एक पूरा अलग से लिया जाए और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वो हम ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सके। मतलब एक्सक्रीटरी वेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप सीधा उस लेक्चर को देखिए, एटीपी से निकालिए और अपना हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, अब की बार हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की।
ऑर्थ्रोपोडा, पॉरीफेरा से लेकर एनिलिडा तक हमने रिप्रोडक्शन के पॉइंट की बात की है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना है, कोई नई बात नहीं आनी। यहाँ पर भी वैसे ही हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे। तो चलिए एक्सक्रीशन की बात करते हैं। अगर हम एक्सक्रीशन के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो इनके मोस्ट ऑफ द मेंबर्स कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल होने के साथ साथ मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के साथ साथ याद रखें इनके अंदर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स के अंदर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बोला जा रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। मैं हर बार मोस्ट क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज यू नो दैट दिस ऑर्थ्रोपोडा इज ए मोस्ट डाइवर्सिफाइड फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो ये यूनिसेक्सुअल है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और याद रखें कि इनके मेंबर्स जो हैं वो कैसे होंगे, मोस्टली ओवीपेरस होंगे। इससे पहले हमने एसके हेलमंथीस में कुछ मेंबर्स की बात की है जो ओवीपेरस नहीं विवीपेरस भी थे। ओवीपेरस तो थे ही, लेकिन जैसे व्यूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, हमने बात की ट्राइचिनेला स्पेरलिस, जो एसके हेलमंथीस के मेंबर थे वो विवीपेरस थे, वैसे इनके मेंबर तो मोस्टली क्या मिलेंगे, ओवीपेरस मिलेंगे। इनके ओवीपेरस मेंबर्स के अलावा अगर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करें, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं स्कॉर्पियन की, अगर स्कॉर्पियन की बात की जाए बच्चों तो वो होती है ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस या फिर ऑप्शन में अगर आपको ओवीपेरस ना मिले तो क्या करेंगे, विवीपेरस। ओवोविविपेरस या विवीपेरस का मतलब क्या होता है, मतलब इनके अंदर एग तो बनता है बट एग हैच हो जाता है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। क्या आप इस बात को समझ पाए, बॉडी ऑफ फीमेल, सुनिएगा अच्छे से इस बात को। अगर हम जानते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एग देता है तो वो होता है ओवीपेरस, मींस एग लेइंग एनिमल्स आर ओवीपेरस, वाइल चाइल्ड बियरिंग एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड विवीपेरस। सही बात है, लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एग बने और वो एग बॉडी के अंदर ही हैच हो जाए तो एग दिया तो नहीं, सही बात है ना, एग बना तो था लेकिन वो एग इनसाइड द बॉडी ही हैच हो गया, तो बाहर क्या आएगा बच्चों, बॉडी से, बॉडी से बाहर तो यंग वन आएगा। इसका मतलब बॉडी से बाहर यंग वन आएगा तो क्या बोलना चाहिए, विवीपेरस। लेकिन हमें तो पता है कि एग भी बना था, इसलिए विवीपेरस से ज़्यादा अच्छा क्या बोलें, ओवो विवीपेरस। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। और ओवो विवीपेरस कौन है, अच्छे से याद रखें, ओवो विवीपेरस है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जो होता है वो क्या होती है, ओवो विवीपेरस होती है। फीमेल की बात करेंगे ना बच्चों, ठीक है। तो स्कॉर्पियन जो है फीमेल जो है ओवो विवीपेरस या विवीपेरस है, बताया गया यूनिसेक्सुअल है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ओवीपेरस है, लेकिन एक्सेप्शनली स्कॉर्पियन ओवो विवीपेरस या विवीपेरस है, जिसमें एग हैच हो जाता है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। और बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोडा के मेंबर में सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम देख लिया जाए। अगर हम एनसीईआरटी का डायग्राम देखें तो हमें पता चलेगा कि एनसीईआरटी में कुछ आर्थ्रोपोड्स के डायग्राम दिए हुए हैं, जिसमें से ए है लोकस्ट, यू नो दैट लोकस्ट इज ए ग्रिगेरियस पेस्ट, अभी बताया गया था। बटरफ्लाई की बात की जाए, देख सकते हैं, पहचानने की जरूरत नहीं बच्चों, आपने बचपन से देखी है। स्कॉर्पियन, ये रहा स्कॉर्पियन, ये रहा इसका टेलसन पीछे की तरफ, ये आगे इसके जो है चैलिसर्स एंड पेडीपेल्पी हैं, ठीक है। और प्रॉन, ये रहा प्रॉन, जिसमें बॉडी डिवाइड होती है सिफेलोथॉरिक्स एंड एब्डोमेन में प्रॉन एडिबल है, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई भी आइडेंटिफिकेशन के लिए डायग्राम आए तो आपको अच्छे से एनसीईआरटी के डायग्राम याद होने चाहिए, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में सेंस ऑर्गन्स, बहुत सारे सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है बच्चों, और उन बहुत सारे सेंस ऑर्गन में एक एक सेंस ऑर्गन की बात कर लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन में, सबसे पहले ले लेते हैं हम सेंस ऑर्गन को जो आप सभी ने भी सुना होगा, एंटीना। इनके पास एंटीना है, तो याद रखें इनके पास सेंस ऑर्गन के फॉर्म में वन पेयर किसमें, इंसेक्टा में, जितने भी इंसेक्ट हैं उनमें इंसेक्टा वन पेयर एंटीना प्रेजेंट होंगे। और ये एंटीना जो वन पेयर प्रेजेंट हैं उनके ऊपर एक तो होंगे टैंगो रिसेप्टर। कैसे रिसेप्टर होंगे, टैंगो रिसेप्टर, मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में बताया टैंगो रिसेप्टर का मतलब होता है टच के रिसेप्टर। एंड इसके अलावा ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स, जो ऑल्फैक्ट्री विच इज़ रिलेटेड विद स्मेल, स्मेल से रिलेटेड ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स
जो है वो भी प्रेजेंट हैं किस पर, एंटीना पर। तो इनके एंटीना पर टैंगो रिसेप्टर होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर एंटीना होते हैं। एंटीना के बारे में एक और कैरेक्टर अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, मल्टी सेगमेंटेड एंटीना होता है। कैसा एंटीना होता है बच्चों इनका? मल्टी सेगमेंटेड एंटीना होता है जो एक से ज़्यादा सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। तो हम तो जानते हैं क्योंकि बॉडी में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, तो वो सेगमेंटेशन एंटीना पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, वन पेयर एंटीना होगा। इंसेक्टा में टू पेयर एंटीना प्रेजेंट होगा किसके अंदर? क्रस्टेशियंस में बायरेमस अपेंडिजेस होते हैं, और बायरेमस अपेंडिजेस का मतलब कितने एंटीना होते हैं? टू पेयर। लेकिन अगर हम एरेक्निड्स की बात करें तो वहां पर एंटीना क्या होता है? एंटीना एब्सेंट होगा किसमें? इन एरेक्निड्स। एरेक्निडा के जो मेंबर हैं उनके अंदर एंटीना क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले तो हमने एक सेंस ऑर्गन की बात की, वो है एंटीना। इसके अलावा अगर हम और भी सेंस ऑर्गन्स की बात कर सकते हैं, जैसे इनके पास प्रेजेंट होंगे अदर सेंस ऑर्गन में गस्टेटरी रिसेप्टर जो होंगे वो होंगे रिलेटेड विद टेस्ट। इसके अलावा इनके पास मिलेगी स्टैटोसिस्ट, हमने टीनोफोरा में पढ़ा था। कैसा ऑर्गन? बैलेंस ऑर्गन, बॉडी को बैलेंस करने के लिए स्टैटोसिस्ट है। बट स्टैटोसिस्ट जो बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है बॉडी को, वो मिलेगा केवल एक्वेटिक फॉर्म्स में, केवल एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स में ही बॉडी को बैलेंस करने के लिए क्या होता है? स्टैटोसिस्ट। ठीक है, एक और बात याद रखें, जो बात हम कॉकरोच में डिटेल में पढ़ेंगे वो थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पर होगी सिंपल आइज, क्या प्रेजेंट होंगी? सिंपल आइज, और सिंपल आइज जो है वो लाइट को कलेक्ट करने का काम करेंगी। फेनेस्ट्रा भी बोला जाएगा इनके लिए, क्या वर्ड यूज़ करेंगे? फेनेस्ट्रा। लेकिन याद रखे इनके कुछ मेंबर्स के पास सिंपल आइज के साथ साथ प्रेजेंट होती हैं कंपाउंड आइज। क्या होती हैं? कंपाउंड आइज। और कंपाउंड आई जो होती हैं वो वन पेयर होती है, मतलब कितनी होती हैं? दो होती हैं। और कंपाउंड आई की यूनिट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे बोला जाता है ओमेटीडिया। क्या बोला जाता है? ओमेटीडिया इज ए यूनिट, और ओमेटीडियम इज ए यूनिट ऑफ कंपाउंड आई। कंपाउंड आई से विजन कैसे होता है उसके लिए कॉकरोच के वीडियो देखिएगा, हमारा जो चैप्टर है कॉकरोच, उसके वीडियो में ओमेटीडिया को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, कंपाउंड आई को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। वहाँ से आप ओमेटीडिया के बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखें इनके पास सेंस ऑर्गन जो है वो है इनके पास टैंगो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विच इज सिचुएटेड अपॉन एंटीना, गस्टेटरी रिसेप्टर भी हैं, स्टैटोसिस्ट बैलेंस ऑर्गन भी है, सिंपल आइज भी हैं, और कंपाउंड आई भी प्रेजेंट होगी इनके पास। कितनी होगी कंपाउंड आई? दो। कुछ में नहीं होगी, बाकी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में होगी। और कंपाउंड आई की यूनिट क्या होती है? ओमेटीडिया। तो चलिए हमने अभी तक क्या पढ़ा एक बार फिर देखते हैं। हमने सबसे पहले ऑर्थ्रोपोडा के जनरल फीचर्स, जनरल कैरेक्टर्स की बात की, उसके बाद हमने इसके सर्कुलेशन की बात की, पैरासिटिक एडेप्टेशन में हमने इसके काइटिनस एक्सोस्केलेटन की बात की, और बॉडी पार्ट्स की बात की, रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में बात की, अलग अलग रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग ऑर्थ्रोपोड्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसकी बात की, रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बात की, ओवोवी पेरिस्टर्म को आपको सामने एक्सप्लेन किया गया, और फिर हमने सेंस ऑर्गन्स की बात की जिसमें हमें सेंस ऑर्गन देखने को मिले एंटीना, गस्टेटरी रिसेप्टर, स्टैटोसिस्ट, सिंपल आइज एंड कंपाउंड आई। चलिए यहां तक की बात होने के बाद अब हम बात करते हैं कि जो किस किस फीचर्स में जो हम बात करें कि जो मेंबर्स हैं किसके, आपके एनेलिडा के, ऑर्थ्रोपोडा के, वो एनेलिडा से डिफरेंट हैं। तो चलिए यहाँ तक के लेक्चर में तो हमने ये बात की है, आज इस लेक्चर में अब हम बात करते हैं कि एडवांसमेंट किस चीज़ में है एनेलिडा का ऑर्थ्रोपोडा। तो देखते हैं किस किस में, याद रखें एडवांसमेंट ओवर एनेलिडा, मतलब ऐसे कैरेक्टर जो ऑर्थ्रोपोडा में है और एनेलिडा में से एडवांस है, है ना। तो इसका मतलब सीधे डिस्टिंग हेड इन ऑल स्पीशीज, बिल्कुल सही बात है, सिफिलाइजेशन होता है, मतलब डिस्टिंग हेड का मतलब सीधे सीधे किसकी बात की जा रही है बच्चों? यहाँ पर सिफिलाइजेशन देखने को मिलता है हमें मोस्ट ऑफ दी ऑर्थ्रोपोड्स में। जॉइंटेड अपेंडिजेस सर्विंग एज ए वैरायटी ऑफ फंक्शन, सभी जानते हैं। जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन, यू नो काइटिनस एक्सोस्केलेटन फॉर प्रोटेक्शन एंड मसल अटैचमेंट के लिए है। स्ट्रिप्ड मसल्स अरेंज होगी बंडल्स में फॉर मूविंग पार्टिकुलर बॉडी पार्ट। आपको पता है कि केवल जॉइंटेड अपेंडिजेस होने से ही तो लोकोमोशन थोड़ी हो जाएगा, मसल्स का भी तो रिक्वायरमेंट है। तो स्ट्रिप्ड, यू नो दैट स्ट्रिप्ड इज ए स्केलेटल मसल, वॉलेंट्री मसल्स। स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स,
ट्रैकिया, बुक लंग्स हैं, जबकि एनिलिडा में ऐसा कुछ नहीं था, मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन हो रहा था। वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स जैसे कंपाउंड आई, स्टेटोसिस्ट, ऑडिटरी ऑर्गन्स, टेस्ट रिसेप्टर, ये सारे भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो एनिलिड्स में नहीं थे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड फेरोमोन सिक्रीशन फॉर कम्युनिकेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनके पास भी, और साथ में याद रखें आर्थ्रोपोड्स में फेरोमोन सिक्रीशन होता है, किसके कम्युनिकेशन में होता है, फेरोमोन्स याद रखें, फेरोमोन्स को हम बोल सकते हैं एक्टो हॉर्मोन्स, और जो एक्टो हॉर्मोन्स या फेरोमोन्स हैं उनको कॉमनली हम सेक्स फेरोमोन भी कहते हैं, और जो सेक्स फेरोमोन्स हैं वो कैसे होते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, स्पीशीज स्पेसिफिक, मतलब वो अपने ही स्पीशीज के मेंबर पर वर्क करते हैं। एक स्पीशीज के मेंबर, जो जैसे हम इंसेक्ट की बात करें, उनके मेंबर में मेटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, फूड की लोकेशन को बताने के लिए, वार्निंग सिग्नल के लिए कुछ वॉलेटाइल केमिकल्स को सिक्रेट किया जाता है, दीज आर वॉलेटाइल केमिकल्स, और ये जो वॉलेटाइल केमिकल्स सिक्रेट किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, फेरोमोन्स और एक्टो हार्मोन्स, एंड दीज फेरोमोन्स और एक्टो हार्मोन्स हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज, हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ The members of same species, क्यों, कौन सी नई बात है, हमने पर पहले ही लिख लिया है कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक, एक स्पीशीज पे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक इंसेक्ट ने कोई फेरोमोन सिक्रेट किया और कोई दूसरा एनिमल आ गया वहाँ पर, कोई और मैमल पहुँच गया, तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, उस स्पीशीज के मेंबर से जो फेरोमोन सिक्रेट होगा वो उसी ही स्पीशीज के दूसरे मेंबर को कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फेरोमोन्स के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया, आपको आइडिया दे दिया है, वैसे ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के का पार्ट है, लेकिन फिर भी याद रखें कि व्हाट इज फेरोमोन और एक्टो हार्मोन, जो हमें ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। अब हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो है लार्वा। अब हम बात करने वाले हैं लार्वा की, हम बात करेंगे डिफरेंट लार्वा की, और डिफरेंट लार्वा जो हैं उन डिफरेंट लार्वास की बात करते हैं, डिफरेंट लार्वा देखते हैं जो ऑर्थ्रोपोडा में है, हमने पहले भी लार्वा की बात की है, यहाँ भी हम कुछ डिफरेंट लार्वा की बात करते हैं, और एक बार फाइनली मैं आपको लार्वा की एक लिस्ट भी अवेलेबल करवाऊंगा, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग भी हम लार्वा को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बॉम्बिक्स, जो सिल्क वर्म है उसका लार्वा होता है कैटरपिलर, ठीक है, बीटल्स, हनीबी का लार्वा जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रब, लार्वा को मैं अलग से कर देता हूँ, ग्रब इज़ ए लार्वा ऑफ बीटल्स एंड हनीबी, कैटरपिलर इज ए लार्वा ऑफ सिल्क वर्म, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका का लार्वा जो होता है वो होता है मैगट इज ए लार्वा ऑफ मस्का, क्यूलेक्स और एनोफिलीज का लार्वा होता है रिगलर, जिगलर और ट्रिगलर, हंसने की जरूरत नहीं है, तीनों ही होते हैं बच्चों, लेकिन रिगलर लार्वा भी इनका लार्वा है। पेनियस की अगर हम बात करें, जो मरीन प्रॉन है, मरीन वाटर में मिलने वाला, उसका लार्वा माइसिस, नोप्लियस एंड जोया लार्वा, ठीक है, नोप्लियस लार्वा और प्रोटोजिया या जोया लार्वा भी बोल सकते हैं, और कैंसर क्रैब का लार्वा जो है वो है मेगालोपा लार्वा, कौन सा लार्वा होगा, मेगालोपा लार्वा, जोया लार्वा, याद रख सकते हैं जो मैंने अंडरलाइन किए वो याद रखें, और कम से कम आप बॉम्बेक्स, बीटल्स, मस्का और क्यूलेक्स का लार्वा तो अच्छे से याद रखें, बाकी दो याद ना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैंने आज आपको क्या क्या बता दिया बच्चों, आज आपको बताया गया फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के डिफरेंट जनरल कैरेक्टर्स, उसका सर्कुलेशन, उसका काइटिनस एक्सोस्केलेटन, बॉडी पार्ट्स, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, एंटीना, कस्ट्रेटरी रिसेप्टर, ऑडिटरी रिसेप्टर, स्टेटोसिस, सिंपल आई, कंपाउंड आई लाइक सेंस ऑर्गन्स, और फिर हमने बात की कि ऑर्थ्रोपोड्स किन कैरेक्टर में एनालिड से एडवांस हैं, और फिर हमने इसके बात की डिफरेंट लार्वा की। आई थिंक आज जो पढ़ाया गया वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में और ऑर्थ्रोपोडा के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें हम ऑर्थ्रोपोडा के एक और कैरेक्टर मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे, और साथ में मेटामॉर्फोसिस की बात करने के बाद हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।